ज्ञान की चीज हमेशा सुनाओ। अरे हमेशा सुनाओ मेरी अब चले ज्ञान की राय फल। माया से देखो सारा जहान ले समझिए। उसी की माया से देखो सारा जहान ले समझिए। बताया तीनों लोग वही प्यारे चौदह भरम सुनिए। बताया तीनों लोग वही प्यारे चौदह भरम सुनिए। कर कर में है वही चमकता कैसे यार कंचन सुनिए। कर कर में है वही चमकता कैसे यार कंचन सुनिए। कहीं जुदा पति हो भूल कलियों से और गुलशन सुनिए। एक समय सुरव सुरोने एक समय सुरव सुरो एक समय सुरव सुरोने सागर का किया मथन सुनिए। उस सागर के मथने से निकले तो चौदह रतन सुनिए। काबर ने अवतार लिया मथुरा में श्री किशन सुनिए। काबर ने अवतार लिया मथुरा में श्री किशन सुनिए। आप तो की तेरी काटो गए कंस मारन सुनिए। मार के तुझे किया भक्तों का कष्ट देते हैं सुनिएगा श्रीमान जी। बहुत प्यारा सा गीत आपने लगा दिया कि मिश्रा जी के गांव गए थे वहां भैया मिश्रा जी निरंजन के स्कूल गए। कोरोना वाली बात पुनः आ गई। हकीकत है सही बात। सैनिटाइजर भी था और मोहरा भी लगाना पड़ता था भैया। दो गज दूरी भी होती थी। लेकिन एक बात और थी श्रीमान जी और सुनिएगा क्या बात थी। कोरोना वाली बतिया बेटी मास्टर कहाँ गई। कोरोना वाली बतिया याद आई है। कोरोना वाली बतिया याद आई है। कोरोना वाली बतिया
हमारे श्रीमान जी बहुत बढ़िया लड़ाई गए। सुनिएगा, एक समय शिव शंकर जी है सुनो समाधि लगाए, पास बुलाकर करे सभी को खोल करे से समझाए, पास बुलाकर करे सभी को खोल करे से समझाए, चौकस दरवाजे पर रहना कोई नहीं आने पाए, इधर समाधि लगाए शंकर उधर पर राम लाए, इधर समाधि लगाए शंकर उधर पर राम आए, दर्शन करने से शंकर के चले जाते लंकर धारे, देख बोले परस राम से मुनिवर में भी ठहर जाए, अगर बोलिया बोलते है तो जान सके आगे बयान सुनो सारंगारा, आगे बयान सुनो
गए महेंद्र वर्धन दीवारी, परशुराम जी चले गए महेंद्र वर्धन दीवारी, कभी चंद्र के कर दे चंद्र की जय जयकारी, कभी चंद्र के कर दे चंद्र की जय जयकारी, कभी चंद्र के कर दे चंद्र की सा प्रयास करते हैं हमारे श्रीमान जी बड़े भैया पप्पूलाल यादव जी, बहुत अच्छा प्रयास, हम भी तारीफ करते हैं। और सुनिएगा, बढ़िया सा गीत लगाया हमने, सुनाया लंका में प्रसंग कि लोहा मनवाया राघो ने रावण मरा, बढ़िया जवाब दिया आपने। लोहा फिल्म और रावण फिल्म घातक जंगबाजी, उसके ऊपर बढ़िया सा प्रयास किया आपने, तारीफ करता हूँ आपकी। लेकिन ये फिर नहीं खोज दे रहे हैं श्रीमान जी, सुनिएगा अगर कोई त्रुटि होगा इसके लिए क्षमा भी चाहूंगा आप लोगों से। आप लोग शब्दों को सुनिए, गीतों को सुनिए, बस सुनिएगा। अरे के प्यारा ललन प्राण प्यारा सुमन, लेके प्यारा ललन प्राण प्यारा सुमन, पहुंची मरघट पे तारा तो 12 बजे, अरे रो रो कहती गया मेरा प्यारा ललन, रो रो कहती गया मेरा प्यारा ललन, रो रो कहती गया मेरा प्यारा तारा सुमन आपका तेरा पर,
अपनी
अपनी जान बनाओ घबराया हुआ बेचारा है। सब रानी अंदर ने शुक्राचार से हाल गुजारा है। श्रीमान जी ने कहा एक ही प्रसंग अगर चलता है तो आनंद आता है। आप लोग सुन रहे हो बढ़िया सा आनंद आ रहा है और मैं भी यही चाहता हूं कि अगर एक ही प्रसंग चलता रहे तो उसी को कलाकार कहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा दिशा मत चेंज हो बड़े भैया जी, यही कहना चाहूंगा। हमारे आपका शुरू से प्रसंग बढ़िया जन्मों का चल रहा है, सुनिएगा। अगर कहीं से कहीं तक मेरी गलती हो तो बताना श्रीमान जी, जन्म का प्रसंग चल रहा है। और आप लोगों से एक आदेश तो नहीं कर पाऊंगा, आदेश नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप लोग दूरी पर बैठे हो, अगर करीब में कुर्सियां खाली हैं या पहले लोगों के लिए हैं, अगर यहाँ आ जाओगे तो थोड़ा सा आनंद आएगा। दूर से चेहरा नहीं दिखता है तो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वैसे थोड़ा सा कम मात्रा में कुछ लोग सोने के लिए जा चुके हैं, इसलिए आप लोग करीब में जाओगे तो आनंद आएगा। कलाकार को दिखना चाहिए। सुनिएगा क्या बात है। ध्यान दीजिएगा, इधर फिर आइए उसी लाइन पर। अरे चले है प्रभु नंदन, इस समय संग्राम हुआ तो प्रभु नंदन जाते हैं समर भूमि में और क्या करते हैं, सुनिएगा श्रीमान जी, ध्यान दीजिएगा। अरे चले है प्रभु नंदन, प्रभु पिता ने चले है प्रभु नंदन, प्रभु पिता ने चले है प्रभु नंदन, प्रभु पिता ने चले है प्रभु नंदन,
रख ली नाचू फल जैसा उनको खाई।
उठाए, उठा कर घुटने रख लिए नाचू भर गए चारों के उठाए। हमारी आपकी एक लाइन चल रही थी, हम याद दिला रहे हैं फिर आपको। पुनः पटरी पर आ जाइए और एक्सप्रेस दौड़ाया जाए तो थोड़ा सा आनंद आएगा, पैसेंजर में नहीं मजा आएगा। अरे 90 साल बीत गए, सदैव आशीर्वाद चाहूंगा, सदैव आशीर्वाद दे हम नाचीज कलाकारों को और आप लोगों के दीदार हुआ करें इसी पिरहे के माध्यम द्वारा। 90 साल बीत गए, क्या बात है,
Thank you.
निकले।